हाँ, बनारसी बदल बुनकर बातों का ऐलान हो गया है कि जितना भी वोट है मोदी के हवाले कर दो। मोदी काम बढ़िया किया है, अच्छा किया है, एक नंबर का काम किया है और अल्लाह उसको बादशाह बनाया, फिर बनाएगा, बनाएगा। नाम बताइए अपना। हाँ, सब काम उसका अच्छा लगा, बढ़िया लगा, एक नंबर का काम किया है भाईजान। नाम बताइए, वोट डाल दिए हैं? नाम बताइए। मोहम्मद मुबीन। वोट उंगली दिखाइए, मोदी को वोट दिया, हम भी दिया। और हमारी मजबूर औरत एक टांग की है, उसका टांग है, वो भी वोट दे के आया है, सबने दिया है, सबको घर में घर उसका कोई भेदभाव नहीं है। ये जिंदगी में पहली बार रमजान के महीना में इलेक्शन हुआ है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तमाम लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, मगर वोट दे रहा है, अपनी जान की बाजी लगा के वोट दे रहा है। मतलब आप सबका साथ सबके विकास में। हाँ जी, सबको दे रहा है। आज के समय में जितना मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का काम किया है, शायद किसी जगह किया हो। आज घर दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं, किसी की जाति धर्म पूछ के नहीं दे रहे हैं, सब जात को मिला। लेकिन आप कुछ बोल रहे थे कि बनारस का आदमी है, खुद ही विद्वान हो नहीं। हाँ तो भैया, बनारस के जितने ही आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट स्माइल विद सीएम, दिस इज हैव ए ग्रेटिट्यूड, दिस इज हैव ए ग्रेटिट्यूड। पूरे बनारस की जनता पूरे इंग्लिश में बात कर सकती है, चाहे पढ़ा है लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, हम एक से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ, बनारस वाले एकदम नगाड़ा बजा के आगे जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। नगाड़ा बुआ बबुआ तो इससे करता नहीं, दबरू बजाते हुए उड़ जाएंगे ऊपर, उड़ गए बबुआ। देखिए ऐसा है ना कि इसके पहले इसी बाणसी क्षेत्र में कितने सांसद, देखिए इसी बाणसी राष्ट्रभक्त हैं, मोदी देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, मोदी देश के लिए काम करते हैं। और कोई भी पार्टी हम देखते हैं, कांग्रेस अपने ही काम करती है, प्रियंका गांधी को एक पद नहीं है फिर भी सरकारी आवास में रहती है, और सोनिया गांधी कहां से पैसा कमाती है, मोदी देश के लिए काम करते हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री है मोदी। हम लोग राहुल गांधी को 100 करोड़ का नोटिस जारी हो गया इनकम टैक्स का। हाँ बताइए क्यों ना, क्या कर, कोई काम नहीं करता है, 100 करोड़ का इनकम टैक्स, कोई काम नहीं करता है, कोई बोलने का शहूर नहीं है राहुल गांधी को, बताइए शहूर नहीं है इसलिए। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी छोड़िए पूरे कांग्रेस की बात है, इन लोगों को अमृत तो प्रदान हुआ है, देश में जितना आज़ादी के लिए लड़ाई हुई न जाने कितने शहीद हुए हैं, अब उसमें से बताइए कितने कांग्रेसी मरे हैं, ये साले अमृत तो बहुत पहले से प्रदान किए हुए हैं, जिंदगी भर देश को लूट के आज देश को खोखला बनाए। मैं वाराणसी क्षेत्र का हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ कितने सांसद कितने विधायक आए लेकिन चले गए, जब से मोदी जी 5 साल के भीतर उन्होंने वो काम कर दिया जो 55 साल में लोग सोच नहीं सकते थे, ये मोदी जी का दम है। बाकी लोग तो जो खाली हवा हवाई बात करते हैं, अनर्गल बातें करते हुए पिछली बार क्या हुआ, मायावती जी एक भी सीट नहीं ले पाई, अब भी उनको जीरो। हेलो, ये मोदी भैया देखो थोड़ा गरीब का ख्याल करें, बुनकर लोग का, बुनकर लोग इसका दीवाना हो गया, गले में लगा लिया। मोदी हमारे इलाके से निकला है, बड़े मोहब्बत प्यार से उसको तोहफा दिया है और इज्जत का पहाड़ दिया है। हम लोग बुनकर लोग हैं, थोड़ा ख्याल करो, इंसाफ का। हाँ हाँ, थोड़ा गरीब लोग हैं और बुनकर लोग हैं। मोदी हिंदुस्तान का बादशाह है, अगर एक आदमी को 10-10 लाख रुपया भी देगा तो अभी उसके दौलत में कमी नहीं आएगी। क्या बात है, तो कमी नहीं आएगी, इतना अमीर अल्लाह बनाया उसको, अल्लाह का करम है मोदी के, अल्लाह का, सब सारी दुनिया का अल्लाह का हुक्म है, बगैर अल्लाह के हुक्म से एक पत्ता नहीं हिलता है, अल्लाह के हुक्म से हिलता है। तो अल्लाह के करम से इस बार फिर से मोदी आएंगे? हाँ, मोदी फिर आएगा, इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह की तो आएगा। मोदी के आने से बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान, कोई बदमाशी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा से बड़ा बदमाश नमाज पढ़ रहा है और सबको नमाज भी झुका दिया, सबको नमाजी बना दिया और सबकी बदमाशी खत्म कर दिया। ये अल्लाह का शुक्र है, उसके हुकूमत में हम लोग का बहुत सुकून, बहुत सुकून, सुकून का पहाड़ है। क्या करते हैं आप, बुनकर हैं? बुनकर हैं, मिलने वाला। अच्छा। हाँ, गरीब लोग हैं, थोड़ा 72 साल की उम्र है, बाकी दार हैं, हमारी बच्चे की बिल जमा नहीं हो पा रही है, हम गरीब आदमी हैं, ये 72 साल 70 साल की उम्र में उसको मदद करना चाहिए। बिजली आ रहा है पूरा? हाँ, पूरा बिजली आ रहा है, 24 घंटा बिजली। बिजली से फायदा हुआ है ज्यादा आने से? नुकसान हो रहा है, मतलब बत्ती बार रहे हैं, बिल नहीं मान निकल पा रहा है। बिजली आने से तो फायदा हुआ होगा, प्रोडक्शन ज्यादा? हाँ, प्रोडक्शन जा रहा है, फायदा हुआ, फायदा हुआ है, आ रहा है बिजली अभी। चलो भैया, थोड़ा साइड में हो जाओ, रास्ता ना रुके। हेलो, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग होगा तो हिंदुस्तान का साथ मुसलमान देंगे और खून बहा देंगे, आगे आगे जंगल रहेंगे,
अच्छा, अभी एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, अंदर घुस के मारा, घुस के मारेंगे हम भी, मारी घुस को हम हिंदुस्तान का, हम हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, मादरे वतन पहले है, हिंदुस्तान का वफादार है, गद्दार नहीं है। अगर जंग, हाँ अगर जंग होगी तो सबसे आगे रहेंगे लड़ने के लिए, हिंदुस्तान पर बम, पहली गोली आप चलाएंगे, हाँ पहली गोली हम चलाएंगे। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी हवा है? देखिए इसमें हवा की कोई बात नहीं, पहले से सब बना बनाया है, जो करेगा सो पाएगा, जो वर्क करेगा, यहाँ पब्लिक किसी की देखती नहीं है, काम देखती है, काम पे जाएगी पब्लिक, काम पे ही जाएगी, जो काम देगा उसको काम मिलेगा, और देने के लिए पब्लिक तैयार है। क्या सर काम कौन कर रहा है इसमें? मोदी कर रहे हैं इसमें, जितने भी हम लोग क्या है टूरिस्ट होटलों से हैं, तो होटल रेस्टोरेंट खाना कपड़ा बिजनेस इसमें टोटल हब हो गया है बनारस, बाहर से भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो सब भी बोल रहे हैं कि मोदी को ही हमको वोट देना। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र के भी लोग आते हैं, जलगांव से भी आ रहे हैं, इधर गुजरात से भी लोग, टोटल सब कह रहे हैं कि भैया हमको तो केवल मोदी को ही देना है। और क्या करते हैं आप? हम लोग साड़ी का ही काम होता है, साड़ी का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के यहाँ सांसद बनने से क्या आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई, लोग ज़्यादा आने लगे? जो हमको व्यापार में मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी बुनकर लोग जो बनाते रहे, एक साड़ी बनाने में हमको कम से कम एक महीना डेढ़ महीना लगता था, अब क्या टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो हमको उसको ट्रेनिंग देने के सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने गठन किया है, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं बेंगलुरु में जाके, वो ट्रेनिंग से हम क्या कैसे डाई करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो हमारा समय बचता है। जैसे तो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं उससे भी तो व्यापार बढ़ा होगा, टूरिस्ट तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, व्यापार है, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ टूरिस्ट। अब बिजली से क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा पैदा हो रहा है, जो एक साड़ी बनाने में हम लोग को 10-15 दिन लगता रहा, अब बिजली से एक दिन में कम से कम 15-20 साड़ी पैदा हो रहा है, ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्या नाम बताया आप? ओम प्रकाश जसवाल। ओम प्रकाश, आप बताइए क्या अंतर आया और उस अंतर का क्या लाभ मिलेगा? किस विषय में? जो पिछले 5 साल में काफ़ी अंतर आया हुआ है, काफ़ी अंतर आया, बहुत अंतर आया है। तो आज जो चुनाव हो रहा है हवा किसकी बहेगी? मोदी की, मोदी की। बाकी सब जो है पत्ते कहाँ खड़े हैं? बस ऐसे ही है, देख ही रहे, आप देख ही रहे ना, सब वो कर ही रहे हैं कि डिफरेंट पार्टीज है, वो बेकार है, वो बंदा सरकार बनना बेकार है, मोदी ठीक है, मोदी ही ठीक है। नाम बताया आपने? राम मूर्ति। देखिए राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हो रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी ने राष्ट्रवाद को एक नया रूप दिया है, राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है, और राष्ट्र का मान सम्मान से ज़्यादा कोई चीज़ होता ही नहीं है, उससे बड़ा कोई विकास भी नहीं होता, उससे बड़ा कोई मुद्दा भी नहीं, मतलब जनता के लिए जाति और लालच से ऊपर राष्ट्र है। अरे सदैव राष्ट्र ऊपर है, सदैव राष्ट्र ऊपर है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाति के नाम पे और दो पैसे के लालच में बरगला लेंगे। देखिए ऐसा है ना, सोचने वाले तो कुछ भी सोचते, सोचने वाले सोचते हैं कि आज बादल है तो सूरज है नहीं, ऐसा होता नहीं है, बादल से कुछ देर के लिए सूरज ना दिखता हो, सूरज तो है ही है, वो अपनी जगह है, वो चमकेगा, वो खुद देखना नहीं चाह रहे, वो खुद देखना नहीं चाह रहे, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच बिहेवियर। शुतुरमुर्ग क्या करता है कि उसको जब दौड़ाइए तो कुछ दूर जाके बालू में मुंह घुसेड़ देता है, बस 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 बस, और उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। तो ये जो गठबंधन, बड़ा शुतुरमुर्ग कौन है, वो बुआ बबुआ या पपुआ या ललुआ? कुल 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 शुतुरमुर्ग है, बुआ बबुआ का तो क्या बताऊं मैं, मती मारी गई है। अरे राष्ट्रवाद है, तुमको मिलना ही है तो आके मोदी से मिलो ना भाई, क्या नुकसान है? मोदी जी कितना बार उसको बबुआ का पीठ थपथपाए हैं, उनके बाऊ ले गए उनको पीठ थपथपाए हैं, और कैसे का करें भाई, पिताजी ने उनके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुलेआम संसद में कह दिया कि उन्हें बड़ी खुशी होगी कि मोदी दोबारा आए, कि माननीय मोदी जी दोबारा आए, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है, अरे चाचा कुछ कह रहा है, चाचा कुछ कह रहा है, वो नकली बुआ कुछ कह रही है, वो नकली बुआ क्षमा कर, चाचा कहता है मेरी बहन नहीं है, पापा कहता है मेरी बहन नहीं है, क्षमा करें उनको तो बुआ कैसे बोला गया है, भगवान है मालिक है, जो उस दिन था उस कांड को जिसने देखा था वो कैसे बुआ बनावेगा, भगवान मालिक है,
सिंपल कहा तो मैंने नहीं बनाया, मुलायम ने नहीं बनाया, बुआ कहाँ से? ठीक है तो उन्होंने बना दिया, वो सम्मान का बात है। देखिए वो बहुत सम्मान, वो सम्मान का विषय है। मायावती जी सबके लिए सम्मानित हैं। आप देखिए व्यक्तिगत रूप से एक इंसान, मैं किसी का सम्मान नहीं करता, वैचारिक मतभेद है। वैचारिक रूप से हम फील करते हैं, हम ये सोचते हैं कि माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व का भाजपा, इसका विचार देश के हित में सर्वोपरि है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं, मोदी के साथ। बिल्कुल। क्या नाम है ना वोट? सजल कुमार बोस। सजल कुमार बोस बंगाल से हैं? नहीं, हम यूपी बेकार इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं? हाँ। क्या लग रहा है? बिल्कुल वही लग रहा है जो आप सुन रहे हैं। आप क्या दे, आपको क्या? हम तो सुना दिया आपको जो लग, अभी उन्होंने भाई साहब ने सुना, सब वही लग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा हवा है। वही है ही है, अभी मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध, कोई मिलावट नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी में भी मिलावट ही नहीं है। मिलावट से लोग उब गए हैं। हाँ बिल्कुल, मिलावट से लोग उब गए हैं और यहाँ उनके उनके भाषण से लोग उब गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अधेड़ युवा की? नहीं नहीं, वही आपके राहुल जी से। अधेड़ युवा? हाँ हाँ। उनका कुछ होगा इस बार? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला उनका, कुछ नहीं होगा, एंड हो गया। बनारस वाले पूरी तरह से मोदी जी को? हाँ जी, हमको हिंदी में पता नहीं, थोड़ा थोड़ा। आप कहाँ से आए? मद्रास ही, तमिलनाडु। तमिलनाडु मोदी जी मिल गया? तमिलनाडु भी मोदी के साथ? आई सपोर्ट तमिलनाडु मोदी जी। मोदी जी नाम बताया अपना? भारती, भारती। पूरा नाम? सुब्रमण्यम भारती। भारती, सुब्रमण्यम भारती, भारती। अच्छा, थैंक यू जी। क्या नाम है? कार्तिक। वोट डाल दिया है? डाल दिया है। उंगली दिखाओ, ये देखिए। तो किस तरफ है हवा? हवा की हवा किधर जा रही है? काशी की पूरी हवा अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी और थे, है और रहेंगे। रहेंगे मोदी मोदी। नारा नहीं लगा सकते, वोटिंग हो रही है ना, समझो। आप जोश वैसे ही दिखा। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, है और हमेशा बने रहेंगे। काशी वासियों की यही शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और परिणाम बहुत अच्छा आएगा उम्मीद है। फासला बहुत बड़ा होगा और मंजिल भी हम लोगों को मिलेगी, ये तय है। नाम बताइए। कार्तिक। अच्छा, नाम तो बता दिया। हाँ जी बोलिए। इधर से नरेंद्र मोदी 7 लाख वोटों से मार्जिन से विजय प्राप्त करेंगे। 7 लाख वोट? 7 लाख वोट से। तो बाकी जो यहाँ सपने देखने वाले, जब्त होगी सबकी जमानत, जब्त होगी सबकी जमानत, जब्त होने वाली है। मोदी जी काशी के साथ साथ पूरे देश में एक मिसाल। कितनी सीटें आ रही है मोदी जी की? मोदी जी 400 प्लस एनडीए की, एनडीए की, और भाजपा के 320 एनडीए एकदम 400 पास, एनडीए 400 प्लस। काशी की जनता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, काशी की पूरी जनता है और भरपूर वोटों से जीतेंगे। विपक्ष वालों ने सोचा नहीं होगा कि उन्होंने किसको चुनौती दी है, एक शेर को चुनौती दी है। उन लोग की सुपड़ा साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी और दोबारा सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ कि वो ना माननीय दोबारा कभी काशी से कभी लड़ेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, तारीख के बाद उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती किया है। 23 के बाद उन्हें पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि क्या गलती किया है। सबकी जमानत जब्त होगी। सब सरकार की बात यहाँ पर, क्या पब्लिक पागल नहीं है? पब्लिक भी देख रही है। जो बंदा 15 साल में कुछ, जो बंदा 15 साल में 1 रुपया घोटाला नहीं किया, वो क्या करेगा? वो आप ही समझ लीजिए। जो बंदा 15 साल से गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है, 300 स्क्वायर फीट में आज भी उसके फैमिली लोग बसे हैं, और दूसरे लोग कहते हैं वो चोर है, चौकीदार कहते हैं चोर है। आपको कहते हैं चौकीदार चोर है? अधेड़ युवा बोलता है, 49 साल का जो जमानत पर चल रहा है, उसकी माँ जमानत पर, जीजा जमानत पर, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। एक मिनट, सबसे बड़ी इटली की रानी चोर है, इटली का बेटा चोर है, चौकीदार प्योर है, उसका जितना शोर है। और पूरा पूरा भारत का जाप करो। फिर आता हूँ, एक मिनट, मैं आपसे कहता हूँ, हिंदुस्तान अयोध्या बनेगा, हर एक बंदा श्री राम होगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? पहले देखिए बनारस, अब देखिए बनारस क्या है। श्री राम, एक ही नारा जय श्री राम, एक ही नारा जय श्री राम।
आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू, आप नहीं चाहेंगे राम मंदिर बने, आप क्या चाहेंगे? तो फिर बोलने कुछ नहीं रह गया है, जो सरकार है सही है, एकदम 100%। बनारस किसके पक्ष में वोट कर रहा है? देखिए, मोदी जिंदाबाद, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम डीएस श्रीनिवास राव है, मैं पुश्तैनी 7 पीढ़ी से मैं यहाँ पर हूँ, 350 साल बीत गया। कितने आए? आंध्र के रहने वाले, कभी रहे कभी गए, कभी इसके भारत के, भारत के ही नेल्लूर के पास के रहे। अब हम लोग 350 साल डग गया। मतलब मैं कह रहा हूँ भारत के हैं, आपका आंध्र और यूपी से कोई मतलब नहीं। भारत के ही हम हैं, और ये कह रहा हूँ आपका आंध्र यूपी नहीं, आपका भारत है। बस पूरा राष्ट्र मेरा है, भारत राष्ट्र पूरा मेरा है। क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, बुआ बबुआ ललुआ पपुआ, इनका क्या होगा? ये अब इन लोग के ऊपर हम कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करते हैं, कि इनका कोई सिद्धांत जिसकी नहीं है उसके विषय में बात करना शोभा नहीं है। ये सब फाइनल हुआ कब? आज 4 बजे के बाद ही सबका क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो एकदम, अभी क्लियर हो गया है, मैप बन गया है, कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, बाकी सब क्या होगा, सब एक हो जाएंगे, फिर वही होगी। तुम बैठो भैया 4 रुपया लेके, तुम वहाँ बैठो, हो सकता है विपक्ष का कोई नेता भी ना रहे। पहले तो अपना ये लोग सीट बचाए, खड़गे पहले अपना सीट बचाए, पप्पू बोलना नहीं चाहिए, अभी तो वो बेचारे नाबालिग है, अभी वो बेचारे 18 साल के हुए नहीं है। 4 साल का है? नहीं नहीं, वो 18 साल के नहीं हुए हैं, वो अभी 18 साल के नहीं हुए, इसलिए उनको थोड़ा बौद्धिक, उनको थोड़ा शिक्षा देना जरूरी है। अभी 18 साल के हुए नहीं, उनको थोड़ा बौद्धिक शिक्षा देना जरूरी है, और उनको हम लोग के समा, हम लोग के बीच में उनको जरा भेजा जाए, उनको अच्छी तरह उनको थोड़ा बौद्धिक शिक्षा दे के कम से कम इनको, जिसकी कोई जाते ही नहीं है वो फिर क्या बोलेगा? अब ईश्वर, कभी आप जनेऊ पहन लोगे, कभी कुछ बन जाओगे, कभी कुछ बन जाओगे, कभी कुछ बन जाओगे, जिसकी कोई जात दिखा। अभी हम चुनाव हैं, तो वो जनता को थोड़ा सा भड़काने के लिए कर रहे हैं ना, सब पूरा जनता को भड़काने के लिए कर रहे हैं। अगर पूरी बायोडाटा निकाली जाए, कहना नहीं चाहिए इनकी पूरी वंश की, इनके पिताजी क्या रहे, क्या रहे, हाँ देखिए वंश का बात होगा तो बहुत कुछ है। अभी इनका जो सब ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ही वंश ही आपका कोई प्राइम मिनिस्टर बनता रहे कांग्रेस में, दवा खाना है, बस वो दवा खाने को बंद करना है। हम लोग का एक ही नारा है, हम लोग को एक ही नारा, वो खानदानी बंद करना है। राष्ट्र के हित में वो खानदानी सही नहीं है, क्योंकि और भी तो लोग हैं उसमें, तो खानदानी वाले कहीं और भी घूम रहे हैं, एक बुआ है, एक बबुआ है, एक ममता है। उन लोगों के विषय में तो बात नहीं करना, अभी तो इसके पहले भी एक सज्जन बोल चुके हैं, वो 25 साल पहले थोड़ा याद कर ले, बहुत है। 23 तारीख के बाद सब लोग जेल, अब इसके ऊपर ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। 23 तारीख के बाद सभी लोग जेल में जाने वाले। कौन कौन जाएगा जेल? राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका वाड्रा भी जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा भी जाएंगे, बुआ बबुआ भी जाएंगे, इन्होंने सब जाएंगे। संपत्ति जो बना के रखा है, इसीलिए कल दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे इसीलिए हुए, सारे चोर चोर मसोरे भाई सारे एक हो चुके हैं। इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनकी कोई नीति है ना नियत है, और जनता पढ़ी लिखी है, हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, उन्हें पता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ठीक है, जनता समझदार है, जातिवाद की राजनीति समाप्त हो चुकी है। अगर इस बार के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सरकार हम लोग को तो बनना है ही है, तो हम बोलने एक ही चाहते हैं, मीडिया वाले से चाहे किसी से भी हो, आरक्षण बंद करे, किसी को भी आरक्षण न दे, अपने काबिलियत पर ऊपर आए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का जो संविधान जो लिखा हुआ है 10 साल के रहा, ये लोग क्या किए जिंदगी भर इसका आरक्षण को जो है भजाते चले गए, ये कोई रूल नहीं है, नहीं होना, वो नहीं होना, आरक्षण बंद होना। फ्री एजुकेशन दे दो आप, फ्री एजुकेशन देखिए, आज 45% लाने वाला CBC में पढ़ने वाला भी वो एक टैलेंट है लड़का है, आरक्षण के माध्यम से किसी और को ले आकर बैठा शोभा नहीं देगा, आरक्षण देश से पूरा खत्म होना है। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं भोलाना चक्रवर्ती, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं मोदी जी का फैन हूँ, 376 पार हो चुका है मेरी सरकार, हमको किसी के बंगाल में क्या लग रहा है चक्रवर्ती? बंगाल में पूरा बंगाल में जो 9 सीट जो चल रहा है मेरा ही आ रहा है, इसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता। आंकड़ा मैं बता दे रहा हूं, और मैं, कम से कम मिनिमम 23 सीट तो आना ही बीजेपी को, 22 कंफर्म है। बनारस का रहने वाला हूं मैं, हॉस्पिटल में एनी हॉस्पिटल वाराणसी से लेके दिल्ली टू बॉम्बे सारा घूमते हैं, नहीं सारा मैं सबको लेके मैं चलता हूं, और मैं चाहता हूं कि मोदी चारों तरफ दिखाई दे रहा मुझे, तो मोदी जी पर क्या है, ओ जिधर देखूं तेरी तस्वीर मन
नजर आ रही है, मोदी आ गई है, एक मोदी दूसरा मोदी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब की बार 400 पारी, मेरा भोला का वादा है। क्या करते हैं चक्रवर्ती? मैं सोशल वर्कर हूँ, सबको पता है बनारस में किसी कोने में जाएंगे। अच्छा, सारा बनारस का नब्ज जानते हैं? सब जानते हैं, हॉस्पिटल के मैं नेता नहीं, मैं समाज सेवक। बनारस की लहर और ये नब्ज क्या कह रही? एकदम जिधर दाबो उधर मोदी 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 मोदी, और किसी की लहर नहीं। चार लाख है इस भरी दुनिया में, कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर समीर चक्रवर्ती है, काल नेम बाबू है। मैं मोदी जी का फैन हूँ, ऐसे कांग्रेस का भी हूँ, ऐसी बात नहीं। अजय राय जी जो है पर्सनली अच्छे आदमी है, लेकिन शायद जमाना जब्त हो जाए। मोदी जी पूरे वोट पूरे कांग्रेस ही हो गए, जमाना जब्त नहीं, नहीं नहीं वो बात नहीं है, इंसान के तौर पर बता रहे हैं कि अजय राय जी पर्सनली अच्छे आदमी है। पार्टी खराब है? नहीं, पार्टी भी अच्छा है, लेकिन मोदी जी की लहर है। 5 साल मोदी के यहाँ से जितना ही है, और पूरे जोर शोर पूरे मत से हो गया, हो गया। अरे हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, इस समय पूरा देश मोदी में हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरा देश इसमें। और ये बंगाल का क्या लग रहा है चक्रवर्ती? देखिए, बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस आएगा। हाँ, कितना सीट आएगा? क्या बात है, तृणमूल कांग्रेस पूरे मेजोरिटी में आएगा, मोदी जी भी आएंगे, लेकिन लोकसभा में कितना आएगा? 39 में से तृणमूल कांग्रेस का हमको लग रहा है कम से कम 20-22 तो होंगे। बाकी का मोदी का? हाँ, बाकी मोदी का। इधर जितने भी है सबको शायद जमाना जब्त हो जाए। भाई, मोदी का पलड़ा भारी है, 5 साल मोदी को रहना है। अगर इस ढंग से चुनाव लड़ेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई सशक्त कैंडिडेट नहीं रहेगा, तो मोदी 5 साल 10 साल और खींचेंगे, उसके बाद बीजेपी पार्टी शेष हो जाएगा, उसका खिचड़ी पक जाएगा। नहीं, वैसे